नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की बात प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ कंपनियों ने जनता की मांग पर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं। आईटीसी, मैरिको, डाबर और गोदरेज समेत उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने कोविड-19 के डर के कारण बढ़ते उपभोक्ता जागरूकता और इस तरह के उत्पादों की मांग के लिए पिछले एक महीने में 3 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट, जिनमें से कुछ स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और वहीं डाबर इंडिया, जिसने नए उत्पादों को लॉन्च किया, जैसे कि ऑल पर्पस डिसइंफेक्टेंट, इम्यूनिटी बिल्डिंग जूस और एयर सैनिटाइजर। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए अब जानते हैं किन इम्यूनिटी बूस्टर्स की बिक्री बढ़ी है। च्यवनप्राश 2% से 81%, ब्रांडेड पैकेज शहद 10% से 35% और हल्दी 7% से 38%। ओके क्रेडिट की टीम जानना चाहती है कि हमारे व्यापारियों की दुकानों पर किन प्रोडक्ट्स की मांग अब ज्यादा बढ़ गई है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। तो जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ।